नीरज चोपड़ा ने फिर कर दिखाया कमाल। डायमंड लीग के फाइनल में रचा इतिहास। जो कोई भारतीय नहीं कर पाया वो नीरज ने कर दिखाया। भारत के स्टार एथलीट और ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक और कमाल कर दिखाया है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि नीरज ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वादलेचे को पछाड़ा। उन्होंने पांचवें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद से लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चोट के कारण वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भले ही हिस्सा ना ले पाए हो, लेकिन उसकी कमी उन्होंने डायमंड लीग में पूरी कर दी। डायमंड लीग के फाइनल में नीरज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नीरज की पहली थ्रो फाउल गई, लेकिन इसके बाद नीरज ने ये गलती नहीं की और दूसरी थ्रो में 88.44 मीटर की दूरी नापी, जो उन्हें खिताब दिलाने के लिए काफी थी। नीरज ने तीसरी थ्रो 88, चौथी 86.11, पांचवी 87 और छठी व अंतिम थ्रो 83.6 मीटर फेंकी। बादलेचो ने नीरज के साथ ओलंपिक में पदक जीता था। जर्मनी के जूलियन वेवर 83.73 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ नीरज ने 23.98 लाख रुपए की पुरस्कार राशि हासिल की, साथ ही डायमंड ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया। जीत के साथ नीरज ने ट्रॉफी के साथ तिरंगे को ओढ़ लिया। इसके बाद सभी विजेताओं को डायमंड ट्रॉफी के साथ ट्रैक पर कार में घुमाया गया, जिसमें नीरज भी शामिल थे। नीरज ने दोहा में हुई पहली और सिलेसिया में हुई तीसरी डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था। स्टॉकहोम में उन्होंने 89.94 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था, लेकिन उन्होंने इस दूरी के बावजूद यहाँ रजत पदक जीता। लुसान में वह विजेता बने और अब फाइनल्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। इससे पहले नीरज विश्व चैंपियनशिप के बाद चोटिल हो गए थे, इस कारण वह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए। इसके बाद उन्होंने चोट से उबरते हुए लुसान डायमंड लीग में 89.08 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। पानीपत के 24 वर्षीय नीरज ने 2017 और 2018 में डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन तब वह सातवें और चौथे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार डायमंड लीग के फाइनल में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और भारत के लिए एक और कीर्तिमान स्थापित किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।